आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक 26 साल की लड़की उसके माँ बाप के साथ में मेरे पास में आई। बोल रही थी कि 12th तक वो बहुत ही अच्छी थी, 12th में अच्छे मार्क लिए और BMS कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गई। जैसे वो घर के बाहर गई BMS कॉलेज में उसके गांव से, तो उसको जरा से घबराहट हो गई। हॉस्टल में रहती थी, उसको लगा कि नहीं, भाग के आना चाहिए घर में। होम सिकनेस बहुत रहता है लोगों को, मतलब ऐसा बोला जाता है कि मतलब एक से दो बच्चे जो है ना, मतलब 100 में से एक से दो बच्चे, 1 to 2, ये होम सिकनेस से कोर्स छोड़ देते हैं। मेडिकल में तो ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली। तो उसको ऐसा लगा कि नहीं, मैंने छोड़ देना चाहिए, जाना चाहिए, भाग के जाना चाहिए, होम सिकनेस है, घर से बाहर अपन आ गए। तो फिर रोज उसको मतलब कॉलेज जाना तो धड़धड़ होना, हाथ पैर कांपना, घबराहट होना, जाने की इच्छा नहीं होना। फिर कैसे भी करके चलो, अभी घर के लोग बोले नहीं, अभी तुमको एडमिशन मिली, अभी तो BMS करना ही है। तो ऐसा करते करते उसने 4 साल तो निकाले, पास भी हो गई। पास होने के बाद में, घर पे आने के बाद में, उसने बोला मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मैं कहीं आऊंगी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम लिया तो उसको लगता है कि नहीं, अभी कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएंगे, मुझे फिर से वो दिल में धड़कन हो जाएंगे, हाथ पैर कांपेंगे, घबराहट हो जाएंगी, या मुझे एड्स हो जाएगा, एड्स होगा तो, या मुझे कोई TB का पेशेंट देगा तो TB हो जाएगा। ऐसे उसको विचार आ रहे, इतनी घबराहट की बोलती मेरे को जाने के नहीं। वो कभी इंटरव्यू को भी गई, कहीं सर्विस के लिए भी, चलो सर्विस करेंगे तो सर्विस में इंटरव्यू के भी, इंटरव्यू देंगी कैसा, तभी सिलेक्शन हुआ तो ज्वाइन नहीं होंगी। प्रैक्टिस करने के नाम से बिल्कुल ही तैयार नहीं कि मैं प्रैक्टिस करना है ऐसे डॉक्टर करके, क्योंकि बोले मेरे को तो होता ही नहीं, मैं प्रैक्टिस कैसे करूँगी। वो तो पेशेंट का नाम लिया कि पेशेंट देखना है, तो फिर घबराहट, बेचैनी, धड़धड़ करना, मतलब धड़कन करना, हाथ पैर कपना, घबराहट है, एंग्जाइटी है, और उसमें फिर बोलती बार बार विचार आ जाते हैं। तो 4 साल हो गए अभी घर में वैसी की वैसी है, कहीं बाहर आना नहीं, जाना नहीं, कहीं मिलना नहीं, क्योंकि बाहर जाते आते हैं तो फिर शर्म आती है कि भाई डॉक्टर बन गए, 4 साल हो गए, करते क्या हो, तो नहीं घर में बैठे, तो फिर घर में बैठे रहना, आना जाना नहीं, कहीं सोशल एक्टिविटी में जाने का नहीं, मिलना जुलना नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि फिर बाहर जाने आने का डर लग गया, कि बाहर गएंगे तो लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, ये जो बीमारी है उससे वो ग्रसित हो गई, कि नहीं अभी बाहर जाएंगे लोग पूछेंगे तो अपन ने क्या जवाब देना। फिर घर में रहना, उससे फिर और डर, क्योंकि फिर क्या होता है कि अब यदि आप घर में बैठे रहे, बाहर कभी गए नहीं समझो 6 महीने साल भर, और फिर बाहर जाने का मौका आ गया या कोई काम पड़ा, तो फिर तो एकदम ही नया हो जाता है, ऐसा डर लगता है कि अभी मैं भाग के फिर वापस घर पे चले जाऊं। दिन ब दिन ये प्रॉब्लम जो है बढ़ रहा उसका। तो उन्होंने काफ़ी सारी दवाई लेके फिर आए कि भाई चलो आप हिप्नोटिज्म जानते हैं तो आप हिप्नोसिस करो, तो मतलब हिप्नोथेरेपी उसको करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो असर करती है, क्योंकि इसका डर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके पक्का बैठा हुआ है। तो उसको मैंने बोला कि आपको थोड़ी ज़रूरत भी है दवाइयों की, दवाएँ लेंगे तो जो एकदम जो आपको बहुत ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, उसके साथ साथ हम हिप्नोथेरेपी करेंगे, सम्मोहन उपचार करेंगे, जिससे कि आपका डर निकल जाएगा। तो उसको हिप्नोथेरेपी मैंने उसके ऊपर किया, उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन वो उसको सिखाया, वो करने लगी, उसकी प्रैक्टिस करने लगी, और फिर डिसेंसिटाइजेशन के जो टेक्निक्स है वो उसको उससे करवा के लिया, और धीरे 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 उसमें फ़र्क पड़ने लगा। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जिनको बाहर जाने का फोबिया तैयार होता है, एक दूसरे में ये सिम्टम ऐसे बंधे गए, मतलब ऐसे नेटवर्किंग हो गया, ये सब सिम्टम्स का शुरू हो गया, एंग्जाइटी बाद में आ गया, डिप्रेशन बाद में आ गया, OCD के सिम्टम बाद में आ गया, फोबिया बाद में आ गया, पैनिक अटैक, मतलब ऐसा सब कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स है उसको, और एक सिंड्रोम जैसा उसको है कि जिसमें उसको अभी धीरे 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 वो श्रिंक होती गई, अभी काफ़ी फर्क पड़ गया। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जो ऐसा जीवन बिता रहे, जिनको प्रॉब्लम है बाहर जाने आने में, जिनको ऐसे सिम्टम्स है, घर वालों को प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी उनको मतलब उत्पादन क्षमता कम हुई है, एक बोझ हो गया घर के लोगों के ऊपर। तो ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि लोग अपना इलाज करेंगे और एक नई दुनिया, नया भारत हम तैयार कर सकेंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।